जैसे ही नीट 2024 का रिजल्ट आता है उसके बाद ही अलग अलग जगह पे इस तरीके से प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हुए और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे पड़ता है। कई सारे स्टूडेंट्स को ये लगने लग जाता है कि उनकी ही गलती है, वो इस लायक नहीं है जिसके वजह से उनके इतने कम मार्क्स आए हैं। एनुअल बोर्ड से इसका क्या लिंक, नीट स्कैम 2024 में ये सब कुछ आपको पता चलेगा। और एनुअल बोर्ड के लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हर साल नीट का एग्जाम देते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, आप खुद देख लीजिए। इस नोटिस में बताया हुआ है कि 1500 से 2000 बच्चे ऐसे हैं जो हर साल एनुअल बोर्ड से अपनी पढ़ाई करते हैं और वो नीट क्वालिफाई करते हैं। आज ये मुद्दा स्टूडेंट्स का मुद्दा है, अब वो चाहे जिस भी बोर्ड के हो, अगर एनी स्पोर्ट के स्टूडेंट्स हो आप, तो आपको भी खड़ा होना पड़ेगा इस युद्ध में, इस लड़ाई में। सबके सब नीट स्कैम के अगेंस्ट में खड़े हैं। कई लोग ऐसे हैं जो री एग्जाम्स की मांग कर रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं जो री एवेल्यूशन की डिमांड कर रहे हैं ताकि जिनके साथ भी ये गलत हुआ है उनको जस्टिस मिले। पूरा मामला क्या है एक बार मैं एनी स्पोर्ट के स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। देखिए, इस बार 5 मई 2024 को NTA के द्वारा एग्जाम लिया जाता है नीट का, जो कि एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है। नीट क्लियर करने के बाद आपको मेडिकल कॉलेज मिलता है, चाहे वो एम्स मिले, आयुर्वेद मिले, आपको एक रेपुटेटेड मेडिकल कॉलेज मिल जाता है और इसके बाद आप डॉक्टर बनते हो। तो मेडिकल के एग्जाम्स में धांधली हुई है और ये धांधली का आरोप NTA पे लगाया गया। NTA एक सरकारी एजेंसी है जिसने ये एग्जाम भी लिया और उसके बाद जो हुआ आपके सामने होता क्या है कि 720 नंबर का ये एग्जाम होता है और 720 में से 720 नंबर 67 स्टूडेंट्स के आ जाते हैं। हरियाणा के एक ही सेंटर पे से 6 ऐसे बच्चे होते जिनके 720 में से 720 आते। फिर यहाँ से डाउट होना स्टार्ट होता है कि एक ही सेंटर से वो भी 6 स्टूडेंट टॉपर निकलते हैं। नीट में ऐसा एक ही बार हुआ है कि 3 बच्चे के एक साथ 720 नंबर आए हैं, लेकिन इस बार अचानक से ऐसा क्या होता है कि हर एक कोने कोने से टॉपर्स निकलने स्टार्ट हुए। इसका सीधा मतलब होता है धांधली हुआ है और ये धांधली पकड़ी भी गई है। 5 मई 2024 को नीट का एग्जाम होता है जिसमें पटना पुलिस के द्वारा ये एक्शन लिया जाता है कि एक कमरे के अंदर कई सारे स्टूडेंट को बिठाकर उनको कल होने वाले एग्जाम्स की आंसर शीट को रटवाई जा रही है कि पहले का ये आंसर है, दूसरे का ये आंसर, तीसरे का ये आंसर है। यानी कि पूरे आंसर के एग्जाम के ठीक एक दिन पहले ही बता दिया गया था। एग्जाम के दिन ये सारे स्टूडेंट शॉक डोला, क्योंकि जब इन्होंने क्वेश्चन देखे तो वो सारे क्वेश्चन एज इट इज सेम थे जो इनको एक दिन पहले ही बताया जा रहा था और पटना पुलिस के द्वारा ये बात पहले ही बता दिया गया। लेकिन इसके बाद NTA आता है और वो जवाब देता है। NTA कहता है कि जो पेपर लीक की बात हो रही है सोशल मीडिया पे, ये सरासर गलत है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन इसके बाद एक जगह से नहीं, ये खबर और जगह से आने लग जाती है, जैसे बिहार, रांची, राजस्थान, अलग अलग जगह से पेपर लीक होने की बात सामने आ जाती है और इसके बाद पूरे भारत में हड़कंप मच जाता है कि कई सारे ऐसे सेंटर है जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉपर टाइम नहीं मिला, जिस वजह से उनको हमने ग्रेस मार्किंग दिया। जैसे कोई एक मिनट लेट हुआ है उसको हमने 4 नंबर दे दिए, जिस वजह से किसी स्टूडेंट्स के 718 और 719 नंबर भी आए हैं, जो कि मैथमेटिकली पॉसिबल भी नहीं। और NTA ने साफ ये कह दिया कि हमने तुम्हें ग्रेस मार्किंग दिया है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि नीट का दोबारा एग्जाम होना चाहिए या रीएवोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन क्या इसका एकमात्र ये सलूशन है? देखिए, ऑलरेडी काफी सारा टाइम वेस्ट हो चुका है और रीनीट करवा लिया भी जाए इसके बावजूद भी ये धांधली हो जाए तो बताइए फिर क्या किया जाएगा। इसलिए कड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, पेपर लीक करवाया है या जो जो इस घटना में शामिल है उनको पहले सजा देनी चाहिए। काफी प्रोटेस्ट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में अभी NTA को नोटिस भी दिया गया और साथ ही ये ऑर्डर भी दिया गया जिनको गलत तरीके से ग्रेस मार्क दिया गया था उनका ये रद्द करके उनका री एग्जामिनेशन लिया जाए और ये एग्जाम फाइनल 23 जून को होने वाला है। लेकिन अभी भी ये मुद्दा शांत नहीं हुआ है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ अनजस्टिस हुआ है जो अभी भी जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। और जो NTA बोर्ड के स्टूडेंट है, आप भी जब अपने एग्जाम देने जाते हो तो क्या आपको लेट से क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता? क्या आपसे टाइम से पहले ही आंसर शीट नहीं छीन ली जाती? ऐसा होता है ना। NTA बोर्ड के अंदर भी टाइम ना मिलने की वजह से कई सारे स्टूडेंट फेल भी हो जाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाता और वो आंसर अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो क्या ऐसे स्टूडेंट्स को NTA बोर्ड में ग्रेस मार्किंग नहीं मिलना चाहिए? आप जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। इस टाइम नीट्स के स्टूडेंट्स काफी एंग्जायटी में है अपने साथ हुए प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन NTA बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ भी इस पर काफी प्रॉब्लम हुई है। इस वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको कहा था, जो कि 3-4 दिन पहले अपलोड हुई, कि आप सभी के साथ सेंटर में प्रॉब्लम हुई या नहीं, और आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया जिसमें हमने ग्रेस मार्क की डिमांड करी। जिसमें देखिए मनित चोपड़ा जी यहाँ पे कहते हैं, जिसमें NTA बोर्ड के द्वारा कहा गया है कि 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम दिया जाएगा, बट वो भी नहीं दिया गया। इस बार स्टडी के लिए बुक्स भी नहीं दिया गया, क्वेश्चन पेपर लेट देकर आंसर शीट जल्दी छीन लेना, और इसके वजह से कई सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन छोड़ दिया। और ये चीज़ हुआ है सिर्फ सेंटर की लापरवाही की वजह से, और सेंटर वालों ने ये एक दो स्टूडेंट्स के साथ नहीं किया, ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ पे कमेंट करके बताया। आप खुद एक बार कमेंट चेक कर सकते हो। 3 बजे हमें पेपर दिया गया, 5 बजे छीन लिया गया, बच्चों ने यहाँ पे सेंटर तक का नाम बताया। आप भी नीचे बताइए कमेंट के अंदर कि आपका सेंटर कौन सा था जहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम हुई। देखिए, अगर आज आप चुप हो जाओगे, आप अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठाओगे, तो आपके लिए कौन करेगा? प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं चाहता हूँ आप सभी को ग्रेस मार्क दे के 2024 में पास किया जाए जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है। आप यहाँ पे देखिए, इनको भी पेपर लेट दिया गया,
वो जल्दी छीन लिया गया कि ओएमआर सीट भरने में ही इतना टाइम लग जाता है कि हमारा टाइम तो यूं ही खराब हो जाता है। कई स्टूडेंट्स ने तो ये भी कहा कि हमारे सेंटर पे 3,000 रुपये लेके चीटिंग करवाई गई। अब इतनी प्रॉब्लम झेलने के बाद एनुअल स्पोर्ट का स्टूडेंट जब एग्जाम देता है उसका रिजल्ट अगर फेल का आ जाता है तो आपको या आपके पेरेंट्स को तो यही लगेगा ना कि आपकी दिक्कत ही भाई, यहाँ पे दिक्कत एग्जाम सेंटर की और इतनी लापरवाही की गई जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। जितने भी लोगों ने कमेंट्स किया मैंने आप सबके कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लेकर आगे एनुअल स्पोर्ट की अथॉरिटी में सेंड कर दिया है। आई होप आपकी प्रॉब्लम को समझा जाएगा और आप सभी को ग्रेस मार्किंग दिया जाएगा। और इसी बीच जो जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है एंड कई सारे कॉलेज में एडमिशन भी लेना है लेकिन अभी तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है, इसीलिए ये रिक्वेस्ट की गई है कि जितनी जल्दी हो सके रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाए। और ये प्रॉब्लम मैं अभी इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। रिजल्ट आने से पहले इन सभी प्रॉब्लम पे ध्यान दिया जाए जो अप्रैल 2024 के स्टूडेंट के साथ हुआ है। तो यहाँ पे एग्जाम सेंटर की प्रॉब्लम्स रही है जिसके लिए एनुअल स्पोर्ट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा उन सेंटर्स पे। नीचे कमेंट बॉक्स में #ग्रेसमार्क जरूर लिखना ताकि नीट के स्टूडेंट्स के साथ जो प्रॉब्लम हुई है उनके लिए भी आज पूरा भारत खड़ा है, वैसे सेम एनुअल स्पोर्ट के स्टूडेंट्स के साथ भी सभी लोग खड़े हैं। मैंने आपका हाथ पकड़ा है तो बीच में छोड़ूंगा नहीं, पास करवाना ही आपको चाहे जैसे भी। आज ये मुद्दा सिर्फ नीट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, एनुअल स्पोर्ट के स्टूडेंट्स के लिए भी, इसलिए ट्विटर पे कमेंट बॉक्स में आप भी एक्टिव हो जाइए। नीट के सभी स्टूडेंट्स को जस्टिस मिलना चाहिए। नीट में एनुअल स्पोर्ट से भी लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं और जो प्रॉब्लम आज नीट के अंदर आई है एनुअल स्पोर्ट के अंदर आती है तो उसमें सभी लोग साथ देंगे, इसलिए आज आप भी खड़े होइए। प्रॉपर टाइम ना मिलने की वजह से एनुअल स्पोर्ट में ग्रेस मार्किंग मिलना चाहिए, बट किसी के साथ भी कोई गलत ना हो इसका जरूर ध्यान रखना है। इस बार एनुअल बोर्ड के ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि आपके लिए एनुअल बोर्ड के पूरी कम्युनिटी खड़ी हो और आपको जस्टिस दिलवाए। भारत के हर एक टीचर्स कोने कोने से खड़े हो रहे हैं नीट के सभी स्टूडेंट्स को जस्टिस दिलवाने के लिए और हमारे यह चैलेंज एनुअल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ही है और हम पूरी हिम्मत के साथ खड़े हैं, जस्टिस आपको मिलकर ही रहेगा, आप बिल्कुल टेंशन मत। ग्रेस मार्किंग की प्रॉब्लम आज ये नीट में आई है, यही सेम प्रॉब्लम एनुअल बोर्ड में भी आती है, इसलिए अपनी आवाज को बुलंद रखना है ताकि आपको जस्टिस मिले। बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो के अंदर जय हिंद जय भारत।